होंगे। इसमें एक डॉक्टर द्वारा अपनी टीम के साथ गांव में जाकर चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। इसमें डॉक्टर एक पारिवारिक डॉक्टर की तरह कार्य करेगा। कोविड से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहने वाले लोगों के लिए यह योजना एक वरदान साबित होगी। इसको हमने अभी एक तरह का पायलट बेसिस पर इसको 68 विधानसभा क्षेत्र में शुरू करने का निर्णय किया है और इसकी सफलता बेहतर होगी तो आने वाले समय में इसका और एक्सपेंशन करने की भी इसमें जो है वो गुंजाइश जो है उसको भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हृदय रोगों से पीड़ित रोगियों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत आईजीएमसी आरपीएमसी टांडा में उपलब्ध कैथ लैब की सुविधा के अतिरिक्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर तथा नाहन में भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस पर कुल 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैंसर के मरीजों की सुविधा हेतु आरपीएमसी टांडा में पैट स्कैन एवं ब्रेकिथेरेपी तथा आयुर्वेदिक महाविद्यालय नेरचौक में पैट स्कैन एवं एमआरआई की सुविधा उपलब्ध करवाने की भी मैं घोषणा करता हूं। इस पर 61 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नेरचौक में एक व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र स्थापित किया जाएगा जहां दानकर्ताओं के दूध से संग्रहण करने एवं प्रशिक्षण संरक्षण तथा वितरण की व्यवस्था होगी, जिससे उपचाराधीन नवजात शिशुओं को दूध की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, 2022-23 में प्रत्येक स्वास्थ्य खंड में एक मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित किया जाएगा जिसमें इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के मानकों वाली सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इस समय प्रदेश में नेशनल एम्बुलेंस सेवाएं 108 के अंतर्गत 198 एम्बुलेंसें चलाई जा रही हैं। इनके रिस्पांस टाइम को कम करने के उद्देश्य से 50 नई एम्बुलेंसों को क्रय किया जाएगा, जिस पर 15 करोड़ रुपए खर्च किया जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा, पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिमकेयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय क्रमशः नाहन, चंबा, नेरचौक तथा हमीरपुर में फैकल्टी और अन्य श्रेणी के समुचित पद भरे जाएंगे। कोविड के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए प्रदेश में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा सराहनीय सेवाएं प्रदान की गई हैं। विगत वर्षों में स्वास्थ्य संस्थानों का व्यापक विस्तार हुआ है। इसको देखते हुए मैं यह घोषणा करता हूँ, चिकित्सा अधिकारियों के 500 नए पद हिमाचल प्रदेश में सृजित किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इस बात को हम देख रहे थे कि जो हमारा डॉक्टर्स का जो कैडर है, वो कैडर जो है वो लगभग 2400 के करीब है और वो पूरा का पूरा भरा हुआ है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में पिछले काफ़ी अरसे से पूर्व की सरकार में भी वर्तमान सरकार में भी बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है और इसलिए ये बहुत आवश्यक था, क्योंकि कैडर जो है वो उसको बढ़ाने की आवश्यकता थी। 500 नए डॉक्टरों के पद सृजित किए जाएंगे ताकि दूर दराज के इलाके जहां एक्सपेंशन की गई है, नए संस्थान खुले हैं हमारे स्वास्थ्य के, वहां डॉक्टर उपलब्ध हो सकें, इस बात को ये सुनिश्चित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2022-23 में 2752 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2022-23 में हमारी सरकार 100 आयुष औषधालयों को वेलनेस सेंटर के रूप में स्तरोन्नत करेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से योग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून
को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। हमारी सरकार योग के प्रचार एवं प्रसार के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। इसी श्रृंखला में आयुष विभाग द्वारा आयुष वेलनेस सेंटर में महिला एवं पुरुष योग प्रशिक्षकों के रूप में आरोग्य मित्र लगाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार घरेलू तथा कृषि उपभोक्ताओं की बिजली बिलों पर दिए जा रहे अनुदान को अग्रिम रूप से बिजली बोर्ड को अदा कर रही है। इस पर हमारी सरकार अगले वर्ष 500 करोड़ रुपए उपदान प्रदान करेगी। हमारी सरकार 1 अप्रैल 2022 से 4,40,000 ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं जिनकी मासिक बिजली खपत 60 यूनिट तक है उन्हें जीरो बिलिंग की जाएगी और 61 से 125 यूनिट तक खपत करने वाले 7 लाख उपभोक्ताओं को 1 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा किसानों को राहत देने के लिए बिजली की दर 50 पैसे प्रति यूनिट से घटा करके 30 पैसे प्रति यूनिट किया जाएगा। इन रियायतों से बिजली उपभोक्ताओं को वार्षिक लगभग 100 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश में 24x7 विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार 12 अतिरिक्त HT योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक अतिरिक्त HT योजना 2022-23 में शुरू किया जाएगा। बढ़ते लोड को देखते हुए मौजूदा प्रणाली में 393 MVA क्षमता की वृद्धि की जाएगी जिससे वोल्टेज की समस्या कम होगी। अध्यक्ष महोदय, कम वोल्टेज की समस्या को समाप्त करने के लिए 33 11 kV HT केंद्रों के निर्माण तथा मौजूदा 33/11 kV HT केंद्रों की क्षमता के विस्तार हेतु 2022-23 में 23 नई योजनाएं शुरू की जाएंगी जिससे संबंधित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री रोशनी योजना के अंतर्गत पात्र 12,765 निर्धन परिवारों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत 2022-23 में 5,000 परिवारों को कनेक्शन दिए जाएंगे। हमारी सरकार विद्युत वितरण नेटवर्क में मौजूदा लकड़ी के खंभों को 100% बदलने हेतु प्रतिबद्ध है। 2022-23 में लगभग 20,000 लकड़ी के खंभों को लोहे के खंभों से बदलकर इस कार्य को संपूर्ण कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में घोषित ऊर्जा नीति में राज्य को 2030 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने पर बल दिया गया है। मेरी सरकार ने बड़े पैमाने पर पंप भंडारण परियोजनाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा है। 2022-23 में 1000 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं जनता की सेवा में समर्पित कर दी जाएंगी। साथ ही 4 नई विद्युत परियोजनाएं साई कोठी फर्स्ट 15 मेगावाट, देव कोठी 16 मेगावाट, साई कोठी 2 16.5 मेगावाट तथा हेल 18 मेगावाट का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। इन परियोजनाओं का निर्माण जर्मनी के डेवलपमेंट बैंक KfW की सहायता से होगा। अध्यक्ष महोदय, 2021-22 में HPPTCL ने लगभग 360 करोड़ रुपए की लागत से अनेक ट्रांसमिशन लाइनें विकसित की हैं। 2022-23 में HPPTCL ने 7 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV सब स्टेशनों के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 231 सर्किट किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 5 ट्रांसमिशन लाइनों तथा कुनिहार में संयुक्त नियंत्रण केंद्र के निर्माण को पूरा किया जाएगा। इन 13 परियोजनाओं पर 645 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फ्रेंच विकास एजेंसी AFD
से चांजू 3 जल विद्युत परियोजना और देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना के वित्त पोषण के लिए सहमति दी है। एएफडी और भारत सरकार के बीच 800 करोड़ रुपए की राशि के क्रेडिट सुविधा समझौते सीएफए पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों परियोजनाओं को टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। दोनों परियोजनाओं का निर्माण 2022-23 में शुरू कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, स्पीति में बिजली की उपलब्धता तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए बिजली बोर्ड तथा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मेरा निवेदन है कि भाई शांति बनाए रखें, चाहे ऊपर बैठे हैं चाहे नीचे बैठे हैं सभी। अध्यक्ष महोदय, स्पीति में बिजली की उपलब्धता तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए बिजली बोर्ड तथा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उद्यम द्वारा काजा में 1 MWH बैटरी भंडारण प्रणाली सहित 2 MW क्षमता के सौर संयंत्रण की स्थापना की जा रही है, जो 2022-23 में चालू कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर ऊर्जा को आम जनता तक पहुंचाने के लिए तथा हरित ऊर्जा संकल्प हासिल करने हेतु मैं इन संयंत्रों पर वर्तमान उपदान राशि को 4,000 रुपए से बढ़ाकर के 6,000 रुपए प्रति किलोवाट करने की सहर्ष घोषणा करता हूं। यह उपदान राशि घरेलू उपभोक्ताओं को भी देय होगी। अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा की भी प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं, जिनका अभी समुचित दोहन नहीं हुआ है। SJVNL द्वारा 2022-23 में 600 करोड़ रुपए की निवेश से 150 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। प्रदेश में इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। वो सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी यह अच्छी पहल होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक 8,35,000 नल कनेक्शन दिए गए हैं। इसकी तुलना में पिछले 72 वर्षों में 7,63,000 नल कनेक्शन दिए गए हैं। हमारी सरकार की यह अभूतपूर्व उपलब्धि जनवरी 2022 तक 17,28,000 ग्रामीण परिवारों में से 15,89,000 परिवारों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किए कर दिए गए हैं। 2022 के अंत तक प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जाएंगे। 2021-22 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1,500 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्र का पहला राज्य है जिसे वर्ष 2021-22 में इस योजना की चौथी किस्त भी प्राप्त हुई, यानी कि पूरे देश भर में सबसे बेहतरीन काम जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश ने किया है। अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन प्रदान करने के बाद हमारी सरकार का लक्ष्य इन घरों को सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति करने का है। इसके लिए सेंसर आधारित तकनीक की सहायता से रियल टाइम बेसिस पर पेयजल उपलब्धता तथा आपूर्ति की सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। यहां अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, इसलिए सोचते ही ना रहें। अध्यक्ष महोदय, 2018-19 का बजट प्रस्तुत करते समय निर्मित कल्चरल कमांड अध्यक्ष महोदय 2018-19 के बजट प्रस्तुत करते समय निर्मित कल्चरेबल कमांड एरिया
सीसीए का केवल 45% ही उपयोग हो पाता था। हमारी सरकार के सफल प्रयासों के चलते दिसंबर 2021 के अंतर्गत के अंत तक लगभग 51% सीसीए का उपयोग किया जाने लगा है। प्रदेश में विद्यमान सिंचाई योग्य 3.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से अब तक 1.87 लाख हेक्टेयर सीसीए का निर्माण किया जा चुका है। सिंचाई सुविधाओं में विस्तार के उद्देश्य से 2022-23 में 9000 हेक्टेयर सीसीए के अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी तथा 6500 हेक्टेयर सीसीए के लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में सिंचाई क्षेत्र की कार्य योजनाएं 80 के दशक में बनाए गए मास्टर प्लान के अनुरूप कार्यान्वित की जा रही हैं। जीआईएस के माध्यम से पूरे प्रदेश के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे कि किसान बंधुओं को कम से कम समय में प्रभावी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सके। 2022-23 के दौरान निम्न 5 बड़ी पेयजल योजनाओं को जनता को समर्पित करने की घोषणा करता हूं। 65 करोड़ रुपए की लागत से एम्स बिलासपुर और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कोल डैम उठाऊ पेयजल योजना, 110 करोड़ की लागत से तरखोला और अन्य गांव के लिए पेयजल योजना, 121 करोड़ की लागत से सिराज और बालीचौकी क्षेत्र के 19 पंचायतों के लिए पेयजल संवर्धन योजना, 147 करोड़ रुपए की लागत से कमलाहा व मंडप क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लिए पेयजल योजना, 56 करोड़ की लागत से डलहौजी के अंतर्गत सलोनी मंजी सुंदाई इत्यादि क्षेत्रों में संवर्धन पेयजल योजना, आपको भी पानी पिला रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, इन 5 योजनाओं के लगभग 1,25,000 के लगभग लोग लाभान्वित होंगे। 2022-23 में निम्नलिखित 4 उठाऊ पेयजल योजना को लोकार्पण किया जाएगा। 6 करोड़ 11 लाख की लागत से भुंतर में जरी ब्राघा योजना, जिसे 256 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाएगी। 9 करोड़ 97 लाख की लागत से कुल्लू ग्राम पंचायत बंदरोल के गिंडौर बनोगी बबेली और शेरी ग्राम समूह हेतु योजना, जिससे 417 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाएगी। जिला कुल्लू में ही 2 करोड़ 31 लाख की लागत से शेरी मशगल योजना, जिससे 93 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। ग्राम पंचायत सिकावरी के लिए 2 करोड़ 88 लाख की लागत से योजना, जिससे 120 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। अध्यक्ष महोदय, 2022-23 में निम्नलिखित मल निकासी योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा। 20 करोड़ 90 लाख की लागत से काला अम्ब के लिए मल निकासी योजना, 14 करोड़ 51 लाख की लागत से त्रिलोकपुर खैरी के लिए मल निकासी योजना, 13 करोड़ 88 लाख की लागत से परमाणु जोन 1 के लिए मल निकासी योजना, 4 करोड़ 23 लाख की लागत से ठेव क्षेत्र के लिए मल निकासी योजना, 2 करोड़ 81 लाख की लागत से कोटखाई क्षेत्र के लिए मल निकासी योजना, 2 करोड़ 45 लाख की लागत से महतपुर के लिए मल निकासी योजना, 2 करोड़ 11 लाख की लागत से सुन्नी के लिए मल निकासी योजना। अध्यक्ष महोदय, 2022-23 के दौरान 1 राज्य स्तरीय जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी, जिसमें भारत सरकार के यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल के अनुसार लगभग 70 प्रकार के परीक्षण करने की सुविधा होगी। अध्यक्ष महोदय, पानी का कुशल प्रबंधन ही लंबे समय तक इसकी उपलब्धता को बनाए रख सकता है। मैं अध्यक्ष महोदय यहाँ यह कहना चाहूँगा, पानी हूँ, जल हूँ, नीर हूँ मैं, मुझे यूं ना व्यर्थ बहाया करो, बन पड़े जितना भी तुमसे, मुझे उतना ही तुम बचाया करो। अध्यक्ष महोदय, जल शक्ति विभाग के लिए 2022-23 में 2,700
72 करोड़ रुपए की का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश में लगभग 39,000 किलोमीटर लंबी वाहन योग्य सड़कें हैं, जिसमें से लगभग 32,000 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें हैं। गत वर्ष पंचायतों के पुनर्गठन के फलस्वरूप कुल पंचायतों की संख्या बढ़कर के 3,615 हो गई है। इनमें से 3,556 पंचायतें सड़क के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। शेष बची हुई 59 पंचायतों में से 20 पंचायतों को 2022-23 में सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 1,500 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी, जिनमें से 300 किलोमीटर की लंबी सड़कें तथा 1,200 किलोमीटर लंबी सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 23 पुलों का निर्माण किया जाएगा, 315 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज की जाएगी तथा 22 आबादियों को सड़क से जोड़ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 के अंतर्गत 440 किलोमीटर लंबी 45 सड़कों का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है। इन 45 सड़कों की कुल लागत 552 करोड़ रुपए है। जून 2023 तक शेष बची DPR भी भारत सरकार की को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश में कुल 2,592 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इनमें से 1,238 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग के पास हैं। 2022-23 में पीरियोडिकल रख रखाव कार्यक्रम के अंतर्गत 110 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर काम किया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 700 करोड़ रुपए होगी। 2022-23 में नाबार्ड के RIDF के अंतर्गत पोषित 180 किलोमीटर लंबी सड़कें, 235 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज, 395 किलोमीटर सड़कों को पक्का करने तथा 25 पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 2022-23 में लगभग 60 किलोमीटर लंबी सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट को सुरक्षित किए जाने का लक्ष्य है, ताकि इन चिन्हित स्थानों पर दुर्घटनाओं की संभावनाओं को न्यूनतम किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली में बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव का समय आ गया है। 2022-23 में निम्नलिखित नीतिगत परिवर्तन प्रस्तावित हैं। मैं महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के पीरियोडिकल रख रखाव की सीमा को 5 एवं 6 वर्ष से कम करके 3 वर्ष करने की घोषणा करता हूं, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक इन सड़कों पर भ्रमण का आनंद ले सके। इस पर 350 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।